अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HTML टेबल के अंदर हम लोग इमेज को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को हमारी रेगुलर वीडियोज के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फोल्डर है मेरे पास डेस्कटॉप में इमेज HTML टेबल के नाम से, और जिसके अंदर मेरे पास एक rose.jpg और एक index.html फाइल है जहां पर हम लोग अपने HTML का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर ओपन फोल्डर और डेस्कटॉप के अंदर ये रहा हमारा फोल्डर इमेज इन HTML टेबल सिलेक्ट फोल्डर करूंगा ताकि ये फोल्डर ओपन हो जाए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। नेक्स्ट मुझे ओपन करना है index.html को और यहां पर एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर बना लेना है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, टाइप करूंगा मान लीजिए टेबल हेड प्रोडक्ट इमेज, टेबल हेड प्रोडक्ट नेम, एंड एक और टेबल हेड बना लेता हूं जिसके अंदर मैं टाइप करूंगा प्रोडक्ट प्राइस। और मुझे पहले एक टेबल रो बनानी है, देन मुझे उसके अंदर ये टेबल हेड टाइप करना है। गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो ये जो आउटपुट है ये हमारे ब्राउजर में ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक और TR को टाइप करूंगा टेबल डाटा। और देखिए दोस्तों यहां पर इस टेबल डाटा के अंदर हमें अपनी इमेज को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहां पर टाइप करूंगा इमेज, सोर्स के अंदर टाइप कर दूंगा अपनी इमेज का नेम जो कि है rose.jpg। यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं rose.jpg हमारे प्रोजेक्ट में सेव है। तो ये अभी इमेज काफी बड़ी हमें नजर आ रही है, हमें क्या करना है एक एट्रीब्यूट यहां पर टाइप करूंगा मान लीजिए विड्थ 100 पिक्सल। लीजिए दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारी इमेज हमें इतनी नजर आ रही है। नेक्स्ट क्या करते हैं, टेबल डाटा 2 टाइम और प्रोडक्ट नेम मैं मान लीजिए लिखता हूं लिली रोज, और जो इसकी प्राइस है वो हम रख लेते हैं $1200। तो लीजिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा टेबल बन चुका है। नेक्स्ट थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे अपने टेबल को, कॉपी करूंगा टेबल एलिमेंट को, यहां पर हम लोग एक स्टाइल का एलिमेंट बनाएंगे जिसके अंदर मैं टेबल टाइप करूंगा, विड्थ रहेगी इसकी 100%। आप लोग आउटपुट देख सकते हैं, बॉर्डर रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड, RGBA 0003 टाइम और ओपेसिटी कर दूंगा 0.6। लीजिए दोस्तों बॉर्डर आ चुका है। सिमिलरली मुझे यहां पर टाइप करना है टेबल हेड एंड टेबल डाटा, इस बॉर्डर प्रॉपर्टी को करूंगा कॉपी, कट करके पेस्ट करके देखते हैं बॉर्डर आता है या नहीं आता। लीजिए दोस्तों बॉर्डर आ चुका है, और यहां पर मुझे एक और चीज टाइप करनी है बॉर्डर कोलैप्स। तो आप लोग देख सकते हैं जो बॉर्डर है वो कोलैप्स हो चुके हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग यहां पर टाइप कर सकते हैं पैडिंग 10 पिक्सल। तो आप लोग देख सकते हैं जो पैडिंग आ चुकी है। अब मान लीजिए इस इमेज को मुझे यहां पर सेंटर पे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूंगा अपने इस टेबल डाटा को एक क्लास दे लेता हूं लाइक माई इमेज, कॉपी करूंगा इस क्लास को, यहां पर कर दूंगा पेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि CSS के अंदर हमें जिस भी एलिमेंट को स्टाइल देना हो हम उस एलिमेंट की क्लास लिख के और उससे पहले डॉट लगाते हैं तो उसको स्टाइल दे सकते हैं। मैं यहां पर टाइप करूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आप लोग देख सकते हैं इमेज जो है वो सेंटर में आ चुकी है। तो दोस्तों ये है हमारे पास टेक्निक कि किस तरह से हम एक HTML टेबल के अंदर एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।